बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 22 के अंदर आज हम एपिस्टेसिस, बम्बई फिनोटाइप और कंटिन्यूसली वेयरिंग ट्रेट्स के बारे में बात करेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम एपिस्टेसिस, एपिस्टेसिस क्या होता है? सिंपल है कि कोई भी जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, सही है। जीन को हम कहते हैं जीनोटाइप, और जो इसके एक्सप्रेशन है उसको हम फिनोटाइप कहते हैं, ठीक है। जीन जो है वो डीएनए में होता है, और जो फिनोटाइप है ये प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। कि लाइक डीएनए का सीक्वेंस है जो कि आगे प्रोटीन बनाता है, और बीच में आपको पता है कौन कौन से प्रोसेस चाहिए होते हैं। मसलन इसके अंदर सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होती है फर्स्ट स्टेज पे, फिर सेकंड स्टेज पे इसमें ट्रांसलेशन होती है, ठीक है। फिर थर्ड स्टेज होता है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, ठीक है, जो कि मोस्टली गोल्जी बॉडीज के अंदर होती है, गोल्जी बॉडीज़ के अंदर होती है, ठीक है। कि यानी अगर उसके साथ बाज दफ़ा क्या होता है कि लाइक शुगर अटैचमेंट होती है, शुगर अटैचमेंट। अब शुगर तो बॉडी में नहीं बनती, लेकिन बाज दफ़ा ये होता है प्रोटीन के साथ शुगर्स अटैच होती हैं, या फिर लिपिड्स की अटैचमेंट होती है, ठीक है। तो ये जो फर्दर अटैचमेंट्स होते हैं ये सारी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है। यानी डीएनए है, डीएनए से पहले ट्रांसक्रिप्शन होती है उसकी, फिर ट्रांसलेशन होती है, फिर वो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में से गुजरता है तो प्रोटीन्स बनती है। यानी ये सारी बात करने का मकसद क्या था कि यानी जीन को एक्सप्रेस होने के लिए बीच में कुछ कह लेंगे बीच में पाथवेज आते हैं, दे आर सर्टेन पाथवेज, ठीक है। सो अगर जीनोटाइप ठीक है लेकिन फिनोटाइप ख़राब है, उसे आप क्या कहोगे? डेट इज़ एपिस्टेसिस, ठीक है। कि यदि कोई भी जीनोटाइप है, अगर मसलन इस पाथवे में ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक और जीन इन्वॉल्व है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट जीन है, ये सेकंड जीन है, फर्स्ट जीन का जो सा असर है वो सेकंड जीन की वजह से एक्सप्रेस होगा, ठीक है, इससे आप एपिस्टेसिस कहोगे। यानी अगर सेकंड जीन नहीं होगा, फर्स्ट जीन मौजूद है लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, डेट इज़ एपिस्टेसिस, ठीक है। अब इसे आपने डोमिनेंस में नहीं लेना, ठीक है। मतलब ये जो जीन है ये इससे डिफरेंट है, दे आर नॉट एलील, यानी वन जीन वन एंड जीन टू आर नॉट एलील, ठीक है। जबकि डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस के अंदर अलील्स के बारे में हमने बात की थी इससे पिछले लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो एपिस्टेसिस क्या है कि एक जीन का अफेक्ट दूसरे जीन की वजह से यानी मुतासिर हो रहा हो, ठीक है, इंटरफेयर कर रहा हो, सेकंड जीन फर्स्ट जीन के कह लेंगे अफेक्ट के साथ या एक्सप्रेशन के साथ इंटरफेरेंस कर रहा होगा, इसे आप एपिस्टेसिस कह दोगे, ठीक है। और इससे आप कंफ्यूज नहीं करोगे, और इसकी वजूहत मैंने आपको बता दिया कि ट्रांसक्रिप्शन रिक्वायर्ड होती है, ट्रांसलेशन है, फिर पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन है, तो यानी इसमें कहीं सेकेंड जीन इन्वॉल्व हो सकता है, इस सारे प्रोसेस के अंदर कहीं सेकेंड जीन है जो कि सारे प्रोसेस को कवर कर रहा है। अगर सेकेंड जीन में मसला है तो फर्स्ट जीन बेशक ठीक हो, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक। इसकी एग्जांपल देखते हैं कि एक हम बम्बई फिनोटाइप है, ठीक है, बम्बई फिनोटाइप, या इसे बाज का बम्बई ब्लड ग्रुप भी कहते हैं, हम बम्बई फिनोमिना कर लेते हैं या फिनोटाइप करते हैं, बल्कि फिनोटाइप या बाज इसे बम्बई ब्लड ग्रुप भी कहते हैं। इसमें होता है क्या है कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ठीक है जी, ये क्रोमोसोम नंबर 9 पे होता है, इट इज़ प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 9, सही। लेकिन एक और जीन है, ठीक है, जो कि क्रोमोसोम नंबर 16 में होता है, जिसे हम एच जीन कहते हैं, क्रोमोसोम नंबर
सॉरी 19 है, 16 नहीं 19 है। सो एक कह लें कि जीन है जो कि रिक्वायर्ड होता है कि जो ए बी ये अटैच हो रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पे बना हुआ है कि ये मसलन ब्लड ग्रुप्स जो यहाँ पे उन्होंने एंटीजन ने आके अटैच होना, मसलन ये ए है, ये बी है, ये ओ है, ये सॉरी ए बी ओ। अच्छा, इसमें क्या होगा कि शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं वो नहीं आएंगे, सही। मसलन ये एच एंटीजन यहाँ पे बना हुआ है ना, ए के साथ ये एच एंटीजन आ रहा है, बी के साथ ये, बॉम्बे के साथ अगर आप देखें तो इसके अंदर एक शुगर मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है, ठीक है। तो शुगर मॉलिक्यूल नहीं है तो उसके साथ फिर जो एंटीजेंस है वो अटैच नहीं होते, उनके साथ आके वो एंटीजेंस अटैच नहीं होते, ठीक है। यानी ये ए है, ये बी है, ये सारा स्ट्रक्चर एच है, सही है। ये ए है, ये बी है और ये एच है। सो अगर एच के साथ ए अटैच है तो हमारे पास ए ब्लड ग्रुप है, अगर एच के साथ बी अटैच है तो हमारे पास बी ग्रुप ब्लड ग्रुप है। लेकिन अगर एच के साथ कोई भी अटैच नहीं है जैसे हम ओ ब्लड ग्रुप कहेंगे, लेकिन एच का अब शुगर ही मौजूद नहीं है, ठीक है। बेशक अब ब्लड ग्रुप इसका ए हो, यानी ए का जीन मौजूद है, लेकिन वो अब इधर एच की शुगर मौजूद नहीं है तो ए अटैच नहीं हो सकता आके। रिजल्ट क्या होगा, इसे आप बॉम्बे फिनोटाइप कहेंगे, यानी जीनोटाइप तो ठीक है लेकिन वो उसके साथ अटैच नहीं हो रहा, लाइक जिस तरह ये अटैचमेंट नहीं हो रही उसकी, सही। वो उसी तरीके से अटैच, दिस वन इज कॉल्ड एज द बम्बई फिनोटाइप, सही। ओके, इसका क्या मतलब है, यानी अगर आप इसे लास्ट में कहोगे, यानी ये फिनोटिपिकली ओ है, ठीक है, कि ब्लड ग्रुप इसका ओ है, बट जीनोटिपिकली इसका ब्लड ग्रुप ए है, सही। सो ये हो गया बॉम्बे फिनोटाइप। अब एक और मैकेनिज्म जिसे आप प्लियोट्रॉपी कहते हैं, सॉरी प्लियोट्रॉपी हमें इधर स्टडी करें, प्लियो ट्रॉपी। इसमें भी वही एपिस्टेसिस वाला तकरीबन रोल होता है। क्या होता है कि अगर एक जीन, ठीक है, थोड़ा सा मुख्तलिफ है, बल्कि इसमें क्या है कि अगर सिंगल जीन यानी अ जीन कवर्स वन और मोर ट्रेट्स या अफेक्ट्स वन और मोर, सॉरी वन से ज़्यादा होंगे यार, टू और मोर, और कवर की जगह आप कह रहे हो अफेक्ट्स टू और मोर ट्रेट्स, ठीक है। सिंपल कि एक जीन ए है, ठीक है, ये आई कलर डील कर रहा है, सही, लेकिन आई के साथ साथ ये हेयर के कलर को भी डील करता है, ये स्किन के कलर को भी डील करता है, तो ये प्लियोट्रॉपी कहलाएगी, ठीक है। सिंपल सी एग्जांपल देने के मैंने आपको बताया, लेकिन इसकी जो एक्चुअल एग्जांपल है वो ड्रोजोफिला के अंदर है। ड्रोजोफिला के अंदर एक जीन है जो कि वाइट आई जीन होता है, वाइट आई जीन, ठीक है। वाइट आई जीन जो है वो शेप ऑफ स्पर्म को भी स्टोरिंग, जो है स्पर्म स्टोरिंग उसको भी कंट्रोल करता है, ठीक है। इसे अब मसलन डब्ल्यू आई डब्ल्यू जीन है, वो वाइट आई जीन है, लेकिन ये शेप ऑफ स्पर्म स्टोरिंग ऑर्गन को भी डील कर रहा है, ठीक है, शेप ऑफ स्पर्म स्टोरिंग ऑर्गन को भी डील कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह अगर जो हमारे ह्यूमन जीन है जो ग्रोथ को कंट्रोल करता है, ठीक है, हमें जीन टू फॉर ग्रोथ कर लें, फॉर ग्रोथ, ये आल्सो हमारे हाइट को भी डील कर रहा होता है, यानी इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, या इसका अफेक्ट आ रहा होता है, साथ साथ हमारे वेट पे भी इसका फर्क होता है, सही है। इस तरह जो कैट्स है, कैट्स के अंदर एक जीन है अलील है डब्ल्यू, सही, ये वाइट बनाता है, ठीक है, कैट्स का कलर वाइट करता है, सही, लेकिन ये डीफनेस भी काज कर रहा है इसके साथ, यानी
वो बहरापन उनके अंदर आ जाता है। सही। और फिर इसका अगर डब्ल्यू डब्ल्यू की कंडीशन हो, होमोजाइगस कंडीशन हो, तो फिर इसके अंदर मेलानोसाइट्स भी बनते हैं। सही। ये मेलानोसाइट्स की प्रोडक्शन में होता है, और यही हियरिंग के अंदर भी इस्तेमाल हो रहा होता है। हियरिंग ठीक है, सेंस साउंड के अंदर यूज हो रहा है, यानी ये बहुत सी एग्जांपल है जिसके जरिए आप कह सकते हो एक जीन जो है वो मल्टीपल ट्रेट्स को डील कर रहा होता है। ठीक है, जिसके मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट्स आ रहे होते हैं, इसे आप प्लियोट्रॉपिक कहोगे। सही है। अब हम चलते हैं कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट में। कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड, सिंपल के जो वेरी करते रहते हैं, पर्सन टू पर्सन उनमें फ़र्क आता ही रहता है। ठीक है, मसलन इसकी एग्जांपल क्या है, स्किन कलर, ठीक है, हाइट, सही है, या फिर आप कह लें कि वेट। सही है, वेट अलबत्ता चला इतना फिनोटाइप में नहीं आता, लेकिन चलें फिर भी आप इसे डाल सकते हैं। स्किन कलर है, हाइट है, वेट है, या आप कह लें कि शेप ऑफ सीड्स है, कलर ऑफ सीड्स है। ठीक है, जिस तरह गंदम के दाने का कलर होता है, तो ये कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड्स होते हैं, और ये ज़्यादातर होते हैं पॉलीजेनिक ट्रेड्स, पॉलीजेनिक ट्रेड्स। ठीक है, पॉलीजेनिक से क्या मतलब है कि एक से ज़्यादा जीन्स से कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, मसलन जो हमारे हाइट के जीन्स हैं वो यानी काफ़ी चीज़ों से कंट्रोल हो रहे होते हैं। सही। या इस तरह कलर के जीन्स हैं, मसलन जो ग्रेन्स होते हैं ना, ठीक है, कह लें गंदम के दाने जो उनसे हैं, सही, और वो वीट ग्रेन जिसे आपको उसके लिए जीन्स होते हैं ए ए बी बी सी सी। ठीक है, ये डार्क रेड कलर होता है, डार्क रेड कलर ऑफ ग्रेन। सही। तो इस तरह अगर इसकी जगह पे ए ए बी बी सी सी होगा तो ये लाइट पिंक कलर हो जाएगा। तो यानी ये पॉलीजेनिक ट्रेड्स हैं। सही। इसके एग्जांपल्स में आपके सामने कलर है, हाइट है, वेट कह सकते हैं आप इसे, और स्किन कलर कह सकते हैं। ऐसे एग्जांपल दी हुई है कि फॉर एग्जांपल ये कंटिन्यूस वेरिएशन के अंदर ना आपके पास एक बेल शेप ग्राफ आता है, बेल शेप ग्राफ। फॉर एग्जांपल अगर आप हाइट देखते हैं, ठीक है, वुमेन की जगह पे यहाँ पे आप स्टूडेंट कह दें, स्टूडेंट इन दिस क्लास, आप अपनी क्लास के स्टूडेंट की हाइट देखेंगे तो सेंटर के अंदर आपको एक पीक नज़र आएगी, बकायास के मुकाबले में कम होते जाएंगे। ठीक है, सो अच्छा, इसमें एक आपने चीज़ समझनी है कि इसके अंदर कोई डोमिनेंस रिलेशंस नहीं होते, यानी जो पॉलीजेनिक ट्रेड्स हैं, पॉलीजेनिक ट्रेड्स या जिसे हमने कंटिन्यूसली वेरिएंग ट्रेड्स कहा है, ये कोई डू नॉट शो डोमिनेंस, डोमिनेंस यानी ये नहीं है कि अगर ब्लैक का जीन ज़्यादा है तो कलर इस वजह से ब्लैक ज़्यादा आ रहा है, एक्चुअली ये बात नहीं। इसमें एक किस तरह एग्जांपल किस तरह प्रूव करेंगे, मसलन एक था हमारे पास ए ए बी बी सी सी, यानी ये डार्क कलर के हैं, ठीक है, और एक ए ए बी बी सी सी ये पिंक कलर के हैं। सही है। तो इसमें हमारे पास जो पहली जनरेशन आई F1 जनरेशन, ये P1 थी, यहाँ पे क्रॉसिंग के बाद जो हमारे पास F1 आई, ठीक है, वो ए ए बी बी सी सी, ठीक है, ये डार्क और पिंक के यानी इसे आप कहते हैं लाइट कहने के कलर में आ जाती है। ठीक है, ना पिंक होती है ना डार्क, बल्कि लाइट रेड से कलर में आ जाती है। सही है।
अब अगर हमने अगर इसमें डोमिनेंस होता, ठीक है, अगर हमने डोमिनेंस से डिफरेंशिएट करना, हम क्या करते हैं कि एफ वन क्रॉस एफ वन दोबारा करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास जो मिलते हैं उसमें चारों किस्म के आ जाते हैं। एफ वन क्रॉस, जब एफ वन हम पूरा तो क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए कि इसके अंदर हमारे पास डार्क कलर के भी आएंगे, ठीक है, रेड कलर के भी आएंगे, लाइट रेड के भी आएंगे और पिंक कलर के भी आएंगे, तो इस तरह चारों कलर बीच में से निकल आते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ये एलील्स अलग अलग हैं और एक दूसरे के ऊपर कोई डोमिनेंस का करेक्टर नहीं शो कर रहे, ठीक। सो ये माइंड में रखना है आपने कि डोमिनेंस नहीं है, बेसिकली ये अलग अलग है। अच्छा, इसके अलावा हमारी जो ह्यूमन हाइट है ये कॉम्प्लेक्स पॉलीजेनिक ट्रेट है, ठीक है। क्या मतलब कॉम्प्लेक्स पॉलीजेनिक के बहुत से जीन्स इसमें रोल प्ले कर रहे होते हैं, सही है। और इसमें भी आपके पास बेल शेप ग्राफ आता है, अगर आप जिस हमने ऊपर देखा है कि अगर आप उसको नोट करें ग्राफ को, तो वो आपको बेल शेप ग्राफ देगा। और दूसरा ह्यूमन स्किन जो है, ह्यूमन स्किन कलर, ठीक है, ये भी थ्री और मोर देन थ्री पेयर ऑफ जीन्स जो है, 3 to 6 पेयर ऑफ जीन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है जी, कंट्रोल करते हैं, सही है। अच्छा, ये जो बेल शेप आ रहा है हमारे पास ग्राफ, ठीक है, इसे आप फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम भी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम। और फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम के सिंपल ग्राफ होता है, ठीक है, जिसके अंदर आप एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम क्या कहते हैं कि यहाँ पे आप रेंज ऑफ फिनोटाइप लेते हो, ठीक है। मतलब अगर हम फिनोटाइप हाइट की बात करें तो आप कहते हो जी, फॉर एग्जांपल 4 4 इंच 4 इंच है, फिर 6 इंच है, 8 इंच है, 10 इंच है, 12 इंच, 14 इंच, इस तरह, सही। और जो वाई एक्सिस है ये पॉपुलेशन साइज को बताती है, ठीक है, इंडिकेट नंबर ऑफ इंडिविजुअल कह रहे हैं, सिंपल पॉपुलेशन साइज या नंबर ऑफ इंडिविजुअल बताए। तो इस तरह आपकी प्लॉटिंग होती है, फॉर एग्जांपल ये इस तरह आप ग्राफ बनता है, इनको फिर आप मैच करवा देते, तो आपके पास ये बेल शेप ग्राफ बनता है, हिस्टोग्राम, सही है। तो इसके अंदर एक एग्जांपल क्या है, मतलब आप हाइट का हिस्टोग्राम बना सकते हैं, उसके जरिए आपको आइडिया हो सकता है, क्योंकि आप इसे नाप सकते हो। जो अगर कलर वगैरह है, कलर की कोई पैमाइश नहीं है, वो क्वालिटेटिव ट्रेट है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपने कि हाइट ये क्वांटिटेटिव ट्रेट है, जबकि कलर ऑफ स्किन ये क्वालिटेटिव ट्रेड है, ठीक है। तो जो ग्राफ बनता है वो क्वांटिटेटिव ट्रेड्स का बनता है, मतलब आप हाइट का कर लोगे या आप और किसका कर सकते हो, फॉर एग्जांपल, और यानी जो भी आप नंबर्स के अंदर जिसके अंदर ले सके, ठीक है, मतलब जो टंग रोलिंग के हैं उसके आप देख सकते हो, ठीक है, उनके नंबर्स आप काउंट कर सकते हो, या फिर जो ईयर लोब्स वाले हैं उनके आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वो मल्टीपल में नहीं जाते, मल्टीपल में सिर्फ हाइट आ रही है फिलहाल, और वेट आ सकता है, वेट को आप ले सकते हो। सो ये हो गया आपका कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड्स। और अगले लेक्चर के अंदर हम जीन लिंकेज के बारे में पढ़ेंगे, और फिर क्रॉसिंग ओवर जो कि हम पीछे वैसे पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर, और फिर सेक्स डिटर्मिनेशन की तरफ जाएंगे, यानी आस्ते आस्ते चैप्टर को कवर करें।